हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ करेले की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको करेले कड़वे तो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे और आप इसको बहुत ही कम तेल और बहुत ही कम मसालों में बना लोगे। करेले बनाने के लिए हमने आधा किलो करेले को अच्छे से धुला, सुखाया और उसके बाद इनके अंदर से बीज निकाल कर इनको छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट, नमक, और नमक को अच्छे से मिलाकर हम इसको 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 3 घंटे बाद करेलों ने पानी छोड़ दिया था, हमने इससे सारा पानी निकाल लिया और अब हम करेले बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए हमने कढ़ाई को गैस पे रखा और इसमें ऐड किया 4 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। जैसे ही ओलिव ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून मेथी दाना और उसको हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब मेथी हल्की सी ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ। अब इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च। 30 सेकेंड के लिए इसको फ्राई करेंगे और इसके बाद हम अब इसमें ऐड करेंगे बारीक कटे हुए करेले और साथ ही में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सॉल्ट या फिर स्वाद अनुसार, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इनको ढककर करेले के हल्का सा सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। हमने इसको बीच बीच में चलाते हुए करेले के सॉफ्ट होने तक कुक कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज के प्याज जिनको हमने बारीक कट कर लिया था। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर से हम इसको ढककर करेले और प्याज के अच्छे से कुक होने तक पकाएंगे। अब ये अच्छे से कुक हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला। अब एक बार फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर ही ढककर कुक करेंगे। दो मिनट बाद करेले बनकर तैयार हो गए हैं, हम इन्हें सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।